हेलो, माई सेल्फ दीप्ति रंगानी, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, SPC गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर. टुडे वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ BSc पार्ट थर्ड, क्वांटम केमिस्ट्री. एंड इन दिस सीरीज टुडे वी विल कंटिन्यू विथ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर श्रोडिंगर समीकरण को अन्य रूप में व्यक्त करके ज्ञात कर सकते हैं. इसके लिए हम सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन 3-डायमेंशनल लिखेंगे. डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू माइनस 8π² mh² e - v शाई. इस तरह से हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी. फिर हमने इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे. नेक्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है, -h² / 8π² m डेल स्क्वायर शाई इक्वल टू e - v शाई. अब हम राइट हैंड साइड से वी शाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लाके दोनों में से शाई को कॉमन निकाल के हम इक्वेशन को अरेंज कर रहे हैं. -h² / 8π² m² + v ब्रैकेट में शाई प्लस ई शाई, और इसको हम ब्रैकेट वाले टर्म को लिख सकते हैं एच शाई इज इक्वल्स टू ई शाई. यहाँ पर एच जो है, जो कि -h² / 8π² m² + v है, इस एच को हम जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कह सकते हैं, और इसलिए इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एच शाई इक्वल टू ई शाई. और यह भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और उसका ये डिफरेंट फॉर्म है. उपरोक्त समीकरण में यदि m द्रव्यमान वाले कण की कुल ऊर्जा हैमिल्टोनियन कहलाती है, जिसे हम h के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं. अब हम इस हैमिल्टोनियन इक्वेशन को पढ़ने के बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन को पढ़ेंगे. तरंग फलन की भौतिक सार्थकता क्या होती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और इसके बहुत सारे हल पॉसिबल हैं. शाई के बहुत सारी वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं. इसमें कुछ तो इमेजिनरी होती हैं और कुछ वैलिड नहीं होती हैं. तो इनमें से केवल वही हल जो कि के लिए तरंग फलन शाई का चयन किया जाता है, जो कि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अनुकूल व्यवहार करता है, इस तरह के जो वैल्यूज़ हैं उसे हम वेल बिहेव्ड फंक्शन कहते हैं. और ई के कुछ निश्चित मान के लिए ही तरंग समीकरण का हल संभव है, क्योंकि शाई सुव्यवहारित फलन होना चाहिए. अतः ऐसा अनुकूल हल तभी प्राप्त हो सकता है जब ई को विशेष मान दिए जाएं, और ई के विशेष मानों के लिए शाई का मान अनुकूल रूप में होगा. ई के इन विशेष मानों को ही हम आइगन वैल्यूज़, और इन मानों के अनुरूप जो वेव फंक्शन होता है शाई, उसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं. तो इस तरह से हम तरंग फलन की भौतिक सार्थकता को ज्ञात कर सकते हैं. जो इसी तरह से जो शाई स्क्वायर होता है, ये हमने शाई के बारे में पढ़ा. जो शाई स्क्वायर होता है वो किसी भी बिंदु पर XYZ पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है. शाई के मान से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का पलकन कर सकते हैं. शाई स्क्वायर के लिए ऐसा जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त कर सकते हैं. शाई स्क्वायर इस तरह प्रायिकता घनत्व होता है, और हम ये मान लेते हैं कि PRT या इज इक्वल टू psi इज इक्वल टू psi स्क्वायर कब? जब वो वास्तविक होता है, और psi तब जब वो इमेजिनरी होता है. अतः किसी अत्यंत अल्प आयतन dx dy dz या d tau में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता psi² dx dy dz या psi² d tau के समानुपाती होगी, जहाँ पर d tau जो है वो नाभिक के चारों ओर का छोटा सा आयतन होता है. तो इस तरह से हम शाई जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन है उसको परिभाषित कर सकते हैं. अब हम शाई के गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ तरंग फलन या प्रॉपर्टीज़ ऑफ शाई. शाई के किसी भी तरंग समीकरण को हल करने के लिए कुछ वेल बिहेव्ड फंक्शंस होते हैं. जो वेल बिहेव्ड और वेव फंक्शन होते हैं उनके गुणों या प्रतिबंधों का संक्षेप में हम इस प्रकार बता सकते हैं कि तरंग फलन का वास्तविक होना आवश्यक नहीं है, यह कॉम्प्लेक्स मतलब रियल होना ज़रूरी नहीं है, यह कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. शाई जो है तरंग फलन का मान सभी जगह फाइनाइट होना चाहिए. शाई का मान किसी बिंदु पर अपरिमित होता है तो इसका तात्पर्य है कि उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो अनिश्चित हो जाएगी, जो कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत और प्रायिकता के सिद्धांत के विपरीत है. अतः शाई का मान किसी भी बिंदु पर न तो इनफाइनाइट होता है और न ही शून्य होना चाहिए. तरंग फलन का एक सतत मान होना चाहिए. इसके लिए आवश्यक है कि तरंग समीकरण के उचित हलों के चुनने में हमें सहायता मिलती है. इसी तरह से तरंग फलन का एक बिंदु पर एक ही मान होना चाहिए, अर्थात तरंग फलन एक मान्य होना चाहिए. तरंग फलन एक मान्य नहीं होगा तो एक ही समय में एक ही बिंदु पर प्रायिकता के मानों की संख्या एक न होकर के अधिक हो जाती है. अब हम तरंग फलन की जो गुण है उसके बाद में हम
ऑपरेटर्स की स्टडी करेंगे कि क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत क्या होते हैं और उन क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों में ऑपरेटर्स या जो संकारक यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं। किसी भी फिजिकल सिस्टम की स्टेट को व्यक्त करने के लिए जो तरंग फलन है उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं और ये तरंग फलन की अवस्था को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में समर्थ होता है और भौतिक निकाय के सभी गुणों के संभव मान या प्रेक्षित मान अवस्था फलन से ज्ञात किए जाते हैं। इनको ज्ञात करने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस का सहारा लिया जाता है, जैसे कि हम ऑपरेटर कह सकते हैं। संकारक किसी भी फलन की गणितीय संकल को ज्ञात करने का निर्देश होता है और जो संकारक हैं वो किसी भी फलन की गणितीय संक्रिया को करने का संकेत होता है, जिसमें एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसमें जो प्लस माइनस गुणा भाग अंडर रूट डी बाई डी एक्स ये सभी ऑपरेटर्स हैं, संकारक हैं। बॉर्न और वीनर ने संकारक की परिभाषा इस तरह से दी कि संकारक एक नियम है जिसके अनुसार एक फलन एक्स टी से दूसरा फलन वाई टी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इस तरह से होते हैं कि अगर कोई भी ऑपरेटर डी बाई डी टी है और अगर किसी भी फंक्शन एफ इक्वल टू टी क्यूब पर संकारित होता है तो जो दूसरा फलन होता है f डैश वो इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म प्राप्त होती है। मतलब टी क्यूब का अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी टी तो हमें 3t² प्राप्त होगा। तो इसी तरह से अगर हम डी बाई डी टी टी एन पे लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा n टी एन माइनस वन, ये दूसरा फंक्शन हो गया। इसी तरह से हम साइन टी का डी बाई डी टी करेंगे तो कॉस टी प्राप्त होगा, तो एफ एक्स से हमें एफ वाई प्राप्त होता है। तो वह फलन जिस पर संकारक कार्य करता है वह संकार्य या संकारित या ऑपरेंड कहलाता है और व्यंजक डी बाई डी एक्स में डी बाई डी एक्स एफ एक्स में संकारक डी बाई डी एक्स है और फलन एफ एक्स संकारित होता है। उदाहरणतः डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब इज इक्वल टू 3t², इसमें डी बाई डी टी तो ऑपरेटर होता है, टी क्यूब जो है वो ऑपरेंड होता है और 3t² जो है वो अनदर फंक्शन होता है। इसी प्रकार 6x² डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6x² डॉट 3x², इसको हम लिख सकते हैं 18x4। इसको हम लिख सकते हैं संकार इंटू संकार इज इक्वल टू न्यू फंक्शन। तो आज हमने पढ़ा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ा, उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ी है वेव फंक्शन की, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ शाही पढ़ी और उसके बाद में क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल में ऑपरेटर्स को हमने शॉर्ट में स्टडी किया। थैंक यू।